हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के श्लोक संख्या 28 को पढ़ रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने सभी जो यज्ञ के लिए जो भी सामग्री थी उन्होंने भगवान से ही प्राप्त की, क्योंकि सृष्टि से पहले कोई भी नहीं था और उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया वो भगवान के इस विराट रूप के शरीर से उन्होंने प्राप्त किया। इस प्रकार मैंने यज्ञ के भोक्ता परमेश्वर के शरीर के अंगों से यज्ञ के लिए सारी सामग्री तथा साज सामान उत्पन्न किए। तो भगवान ने इस प्रकार यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सब जो साज सामान था उन्होंने भगवान के शरीर से के अंगों से, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए मैंने यज्ञ संपन्न किया। जैसे हम चर्चा कर चुके हैं कि कोई भी यज्ञ जो भी हो वो सफल तब होता है जब भगवान प्रसन्न, भगवान के प्रसन्नता के लिए जब वो यज्ञ किया जाता है तो ही वो सफल हो सकता है। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे क्योंकि पहला यज्ञ किसने किया, ब्रह्मा जी, उन्होंने सारी विधि बताई। इतने किन श्लोकों के द्वारा ब्रह्मा जी ने हमें सब जो विधि है किस प्रकार से यज्ञ किया जाए उसका उन्होंने हमें बताया। कल्प संकल्प और तंत्र, इस प्रकार से ये जो है उद्देश्य क्या होना चाहिए, यज्ञ का उद्देश्य यही होना चाहिए कि भगवान को प्रसन्न करें। श्री प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि सामान्य लोग सदैव मन शांति या विश्व शांति के लिए चिंतित रहते हैं, है कि नहीं? ये तो सदैव सब लोग शांति चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि अशांति रहे विश्व में या मन में या घर में शांति हो। तो ये शांति प्राप्त करने के लिए ये जो है यज्ञ बताए गए हैं, किंतु वे यह नहीं जान पाते कि विश्व शांति का ऐसा कोई मानक किस तरह प्राप्त किया जाता, कैसे प्राप्त करना है, इस विश्व शांति के लिए क्या करना चाहिए, कैसे विश्व में शांति होगी, उसके लिए लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसी विश्व शांति यज्ञ तथा तप द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो जो कैसे प्राप्त की जा सकती है, विश्व शांति, मन शांति, सब जगह शांति किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, यज्ञ के द्वारा और तप, यज्ञ तथा तप। तो भगवद गीता में निम्नलिखित सूत्र दिए गए, सूत्र हाँ जैसे कोड्स है, जैसे हम बता रहे हैं कि किस प्रकार से भगवद गीता पढ़ना बहुत जरूरी है पहले भागवतम पढ़ने से, क्योंकि फिर हम भगवद गीता का जो है आनंद ले सकते हैं और हम समझ सकते हैं भगवद गीता की महिमा क्यों। और जो भगवद गीता, क्योंकि भगवद गीता कोड्स है, किसके लिए, जो ऑलरेडी जो ज्ञानी है, जो ज्ञान जानता है
भगवान के विषय में, वे जब वो कोड को पढ़ते हैं तो उनको सब सामने आ जाता है, जैसे कि ये कोड बताया गया है भोक्ता राम यज्ञ सप्तपसम। अभी समझ में आया भगवत गीता है ना, क्योंकि इतने सारे श्लोकों में भागवतम में ये हमें स्थित कर रहा है। लेकिन जब हम भगवत गीता में पढ़ते हैं तो थोड़ा सोचते हैं क्या कैसा ये भोक्ता राम यज्ञ तपस्म, किस प्रकार से भगवान ही सभी कारणों के कारण है, और यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही मैंने ये यज्ञ किया जाता। भोक्ता कौन है? भोक्ता भगवान। और कैसे भोक्ता है वो, इसके लिए ये श्रीमद् भागवतम और श्री ब्रह्मा जी इतने इतने अनेक अनेक श्लोकों द्वारा नारद मुनि से पूछे जाने जो प्रश्न है उनका जवाब देते हुए ये समझा रहे। तो ये इसमें चार बातें बताई गई है इस सूत्र में, जो भगवद गीता के पांचवें अध्याय के श्लोक संख्या 29, भोक्ता राम यज्ञ तपसम नंबर वन, दूसरा सर्वलोक महेश्वरम, सेकेंड, तीसरा सूर्यदम सर्वभूतानाम। ये तीन अगर जान लिया तो फिर क्या होता है, ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्यते, ये कोड है, पीस फॉर्मूला, ये पीस फॉर्मूला है पूरे विश्व के लिए। अगर इस पीस फॉर्मूला को फॉलो किया जाए तभी विश्व में शांति हो सकती है, नहीं तो नहीं। कुछ भी प्रयास किया जाए, अगर हम ये तीन बातों को नहीं समझते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सूरीदम, भगवान क्या है? सूरीद है, सभी के वेल विशर है, किसके? सर्वभूतानाम, सभी के, फिर मानव जाति नहीं, सभी के। और जो जान लेता है ज्ञात्वा माम शांति, वेरी इंपॉर्टेंट कोड। और इस कोड को समझाने के लिए, इस कोड को समझने के लिए पूरी भागवतम जो है की रचना की जा रही है, और यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी जो है समझा रहे नारद मुनि के प्रश्न के उत्तर देते हुए। तो कर्मयोगी जानते हैं कि परमेश्वर समस्त यज्ञों के तथा संयमी जीवन के असली भोक्ता तथा पालक है। तो कर्मयोगी, जो कर्मयोगी है वो जानते हैं, वे यह भी जानते हैं कि भगवान समस्त लोकों के परम स्वामी है, भोक्ता भगवान है, परम स्वामी भगवान है, तथा समस्त जीवों के वास्तविक मित्र है, फ्रेंड है, फ्रेंड ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज। हम देखते हैं वृंदावन में भगवान सभी के साथ प्रेम कर, चाहे वो गव्वे हैं, चाहे वो पक्षी है, देखते हैं भगवान सबके साथ संपर्क, चाहे वो यमुना जी है, चाहे वो पेड़ है, चाहे वो पौधे हैं, पशु है, पक्षी है, पर्वत है, सबसे भगवान प्रेम, क्योंकि वे सबके मित्र हैं। भगवान ही हमारे सुरीद है। अगर कोई है जो हमारे असली मित्र है वो सिर्फ भगवान ही, क्योंकि वे हमेशा हमारे साथ हैं। और अगर हम समझे कि वे ही भोक्ता है, वे ही स्वामी है, जैसे कि पिछले भी हमने जो श्लोक में श्रीमद् भागवतम में कि सब कुछ भगवान, श्रियापति यज्ञपति प्रजापति धयमपति लोकपति धरापति, सभी के पति हैं भगवान, भगवान ही सभी के पति है, बाकी सब जो है क्षणिक
क्षणिक। तो हमारा संबंध किसके साथ होना चाहिए? जो हमेशा के लिए, जैसे कि इस भागवतम में ही ज्ञान हम पा रहे हैं कि नहीं, इतने सारे कितने दिनों से हम पढ़ रहे हैं और ये सब समझ रहे हैं, तो ये कठिन नहीं। एक सेकंड लगता है समझने के लिए। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे ज्ञान अन्य भक्तों की संगति के माध्यम से कर्म योग को भगवान धीरे धीरे शुद्ध भक्त बना देते हैं। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, भक्तों का संग, भक्तों का संग से हम जो है शुद्ध बन सकते हैं, नहीं तो बहुत कठिन है। जैसे कि यहाँ बताया गया कि कर्मयोगी समझते, हाँ भगवान जो है सबके स्वामी है, भगवान जो है सबके सब यज्ञों के भोक्ता है, ये सब जान लेंगे कर्मयोगी, वो जान लेंगे कि वे मित्र है, लेकिन उसके आगे वो नहीं जान सकते वो क्या है, भव बंधन से मुक्त होने का रास्ता। वो भव बंधन से मुक्त होने का रास्ता यज्ञ पति को समझना जरूरी है। और भक्तों के संग में, संगति के माध्यम से कर्मयोगी को भगवान धीरे धीरे शुद्ध भक्त बना देते हैं। इस प्रकार से भक्तों के संग में कोई भी जो धार्मिक है, धार्मिक रहना अच्छा है, लेकिन उसके आगे आगे जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भगवान का भक्त बनना। और भगवान का भक्त कोई कैसे बन सकता है? भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति, जिस प्रकार से हम श्री प्रभुपाद जी की संगति प्राप्त कर रहे हैं। जब हम श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य को पढ़ते हैं, मतलब हमें जो है शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो रही है। उनकी वाणी है, ये श्रील प्रभुपाद की वाणी से संपर्क हो रहा है। और क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त है, तो जब हम उनकी वाणी को सुनते हैं तो हम शुद्ध हो जाते, नहीं तो कठिन। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रेस दिया है कि रीड माय बुक्स। अगर प्रभुपाद जी नहीं है हमारे सामने अभी, फिर भी हम उनका संगति प्राप्त कर सकते हैं उनके किताबों के द्वारा। और हर रोज हम कर रही है यही कि हम जो है श्री प्रभुपाद जैसे महान भक्त का संगति प्राप्त कर रहे हैं, उनके बताए गए जो है उपदेशों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जीवन में पालन करने से हम जो है शुद्ध भक्त बन सकते हैं, शुद्ध भक्त बन जाते हैं। इस तरह वे भव बंधन से मुक्त होने में समर्थ होते हैं। तो यही रास्ता है। तो इस भौतिक जगत के आदि जीव ब्रह्मा ने हमें यज्ञ की विधि बताई है। तो ब्रह्मा जी ने शांति की विधि बताई है कि अगर हम शांति प्राप्त करें, और हमने चर्चा भी की है कि किस प्रकार से भगवद गीता के तीसरे अध्याय में अनेक अनेक श्लोकों द्वारा यज्ञ के विषय में बताया गया है। यज्ञ शब्द अन्य पुरुष की तुष्टि के लिए, अपनी स्वार्थों के समर्पण का द्योतक है। समस्त कार्य की यही विधि है,
कि हम जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। और प्रभुपाद जी ने इनफैक्ट ये तो अंग्रेजी में यज्ञ, भगवान प्रभुपाद जी ने यज्ञ को ट्रांसलेट किया है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस, यज्ञ मीन्स सैक्रिफाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइस? What is the meaning of sacrifice is being explained by Srila Prabhupada in this particular verse. Aur ye yagya ya sacrifice kya hai? The word sacrifice suggests dedicating of one's own interest for the satisfaction of a second person. This is the definition or the word meaning of the word sacrifice. Please understand. Sacrifice, agar hum sochenge to bhi, it is very easy. Sacrifice ka matlab kya hai? Ki dusron ke liye apne hit ki bali chadana. Aur ye hum karte hi aa rahe hain hamare samanya jeevan mein, kitni baliyan chad rahi दूसरों के लिए, है ना? प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के लिए अपने हितों की बलि चढ़ाता रहता है, चाहे वो परिवार के रूप में हो, यस, बिगिंस फ्रॉम होम ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, एवरीथिंग सबसे घर से शुरू होता है। ये जो अपने हितों की बलि भी हम कहां से शुरू करते हैं चढ़ाना? घर से, परिवार, फिर आगे एक्सटेंशंस होते रहते हैं परिवार से या समाज, फिर जाति, देश या संपूर्ण मानव समाज। कितने कितने जो है कार्य होते हैं, तो उदाहरण कोई दे सकता है कि किस प्रकार से परिवार के लिए बलि, अपने हितों का बलि कोई बता सकेगा? गिवन एग्जाम्पल, हू सर प्लीज मी, यस हसुबा माता जी, यस माता जी, Mataji, the first and foremost example that comes to mind is the housewife, the mother, the wife. Yes, housewife. अपनी खुद की जो है, what is it? अपना खुद का जो जरूरत है, या यहाँ पे शब्द यूज किया जाए कि अपने परिवार के लिए, उनके हितों के लिए। हमारी इच्छा कुछ और होगी, हम कुछ और चाहते हैं, लेकिन उसको हम छोड़ देते, अरे रहने दो, जाने दो, नहीं चाहिए हमें ये, लेकिन इसमें हमारे परिवार का हित होगा तो इसके लिए हम उसको छोड़ देते, त्याग देते, बलि चढ़ा लेते, जान नहीं, हमें अच्छा नहीं है, लेकिन हमें जो क्या अच्छा लगता है दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए हम कितना कुछ नहीं गवाते, है ना? ऐसा नहीं हाउसवाइफ भी ही, पर हेड ऑफ द हाउस भी है, इसमें सब लोग इन्वॉल्व है। और कोई उदाहरण है सैक्रिफाइस? बोल माता जी। हाँ जी, जय श्री राधा माता जी। माता जी, जैसे व्रत करना, एकादशी व्रत, जन्माष्टमी व्रत, ये शारीरिक सैक्रिफाइस? ये तो वो तो अलग है, हम जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि परिवार, समाज, देश, ऐसा उदाहरण चाहिए। लेटर आई कम तो माता जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन अभी ये अगेन, ये जो है समाज, परिवार, वो उसमें आता है अध्यात्म में, हम अभी बोलते भौतिक चीजों में,
माता जी सोल्जर्स फाइटिंग फॉर द कंट्री. यस राइट. सोल्जर्स आर फाइटिंग फॉर द कंट्री. कितना उन लोग उसके लिए, कितना उन लोग क्या तपस्या नहीं करते, कितना ट्रेनिंग, कितना हार्ड उन लोग परिस्थिति में कार्य करते हैं वो एक चीज को प्राप्त करने के लिए, है कि नहीं यहाँ पे. यस एनीबडी एल्स. Mata ji, the doctors and the nurses, the way they are serving. Right. And the doctors, अपनी बलि चल. अभी आज आज की स्थिति में तो यही सब चल रहा है. We can see. जैसे कि आज हम देख रहे हैं. दीप्ति माता जी म्यूट कर दो. So there are lot of disturbance when others could be on because then it's not I'm not able to talk. तो जो हम देख रहे हैं आज की परिस्थिति में हम देख रहे हैं ना, इतना सारा जो सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं किसके लिए, दूसरों के हित के लिए, तो ये स्वाभाविक ही है. यस एनीबडी एल्स वाज सेइंग समथिंग. आचार्य फॉर द ह्यूमन सोसाइटी. ओके एनीबडी एल्स. रियल रियल मटेरियलिस्टिक एग्जांपल. Charitable institutions when yes. they go into society. Okay, so लोग अपने धन को भी जो है अपने दूसरों के लिए, दूसरों के हित के लिए धन को भी लगाते हैं. वो उस धन को अपने अपने सुख के लिए भी इस्तेमाल करते थे, कर सकते थे, है कि नहीं. लेकिन वो दूसरों के लिए जो है वो करते हैं समाज के लिए. वन मोर माताजी. यस सुगम जी. माताजी समटाइम्स पीपल डोनेट ऑर्गन्स टू फैमिली मेंबर्स. बहुत सारी चीजें हैं इसमें. यस श्रद्धा माताजी. जी जी माताजी. हरे कृष्णा. माताजी जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का हम उदाहरण दे सकते हैं. उन्होंने अपने परिवार से दूर रह के और अपने पूरे जीवन को देश की भलाई के लिए समर्पित कर रहे हैं और अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहे हैं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था है जहाँ के बहुत सारे सदस्य आरएसएस वाले एकदम बिना किसी स्वार्थ के, इनफैक्ट बिना नाम दिए हुए, अभी कोविड के समय में भी हम देख सकते हैं. उसके अलावा ओके इट्स अंडरस्टूड वन एग्जांपल. ओके सो द आइडिया ये आइडिया यही है कि अपने देश के लिए, समाज के लिए लोग अपने हितों को की बलि चढ़ाते रहते हैं और इस प्रकार से ये तो स्वाभाविक रूप से हो ही रहा है, है कि नहीं. तो लेकिन फिर भी क्या शांति है, अभी ये प्रश्न पूछिए. कितना सारा जो ये किया जाए, आयोजन किया जा रहा है दूसरों के हित के लिए, दूसरों की शांति के लिए, विश्व शांति के लिए, क्या ये प्राप्त हो रहा है? इतना सारा बलि चढ़ाने के बाद भी अपने हितों को छोड़ के, अपने शरीर के को के विषय में बिना सोचे भी इतने सारे उदाहरण हमने देखे हैं, पर क्या विश्व में शांति प्राप्त है आज? इसका हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं. न्यूज चैनल लगाओ, चलो ये प्रॉब्लम हल हो गया, फिर दूसरा प्रॉब्लम, फिर वापस अशांति, कुछ थोड़ी देर के लिए कुछ शांति हो गई, फिर वापस अशांति, थोड़ी देर के लिए ये हो गया. और अभी तो ये तो इतने कभी कभी जैसे कि अभी की अभी परिस्थिति ऐसी चल रही है कि कोई ऐसा लगता है कोई अंत ही नहीं है, अंत ही नहीं है, कब अंत होगा ऐसे सोच, है कि नहीं. पर जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि लोग जानते नहीं है किस प्रकार से शांति होगी, किंतु ऐसे यज्ञ को पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब वे परम पुरुष
नित किए जाते हैं। बता चाहिए बिना राम के, राम राज्य चाहिए बिना राम के, तो कैसे होगा? राम के कैसे कुछ हो सकता? यहाँ पे श्री ब्रह्मा जी करने के लिए, और हमने कल भी पढ़ा, बताया गया है यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरण, कि भगवान श्री विष्णु के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना चाहिए, किया जाना चाहिए। वर्क डन एज अ सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी परफॉर्म, अदरवाइज वर्क कॉजेज बॉन्डेज, और ये बंधन भी, और भी ज्यादा बंधन में फंसे जाएंगे ये जन्म मृत्यु का चक्र। तो ये तीन चीज अगर कोई जान ले कि भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। आजकल क्यों इतना अशांति है? क्योंकि हम सोचते हम ही स्वामी हैं, मैं और मेरा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारा है, सब कुछ किराया पे है। शरीर भी रेंट पे मिला है, कि रेंट मतलब खुद का, अगर खुद का आता है तो फिर मृत्यु क्यों आती है? अगर खुद का घर है तो कोई किसी को उसके से उसमें से निकाल सकता है? किराए पे ना। तो इस प्रकार से ये जो है सब कुछ जो है भगवान ही जो है सब कुछ वस्तु ईशा वास्य निदम सर्वम, सब उपनिषद में बता। तो ये जान लेते, जान लेंगे तो हम जब जानते हैं तब जो है क्यों झगड़ा करेंगे? जब जानते हैं कि भगवान ही भोक्ता है, भगवान ही स्वामी है, सब कुछ जो है भगवान का ही है, तो फिर झगड़ा अपना प्रभुत्व कैसे जता सकते? प्रभुत्व जताने के लिए यहाँ पे ये जो है हमारी इच्छा होती है, तो यहाँ पे हम आके अपने प्रभुत्व को जताते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, और हम ही समझते हैं कि हम ही भगवान हैं। आई एम अ सेल्फ मेड मैन, मैं जो करता हूँ वो मेरे बल से हो रहा है। और फिर जब कभी ऐसा हुआ कि नहीं हो सकता है तो डिप्रेशन, सुसाइड, तो इसको कहते हैं, जैसे समझाया गया था पिछले हफ्ते प्रभु जी ने, अविद्या के कारण दुख जो है अविद्या के कारण है, और ये विद्या है जो ब्रह्मा जी सिखा रहे हैं, वो विद्या है, उस विद्या को जो भगवान हमें विद्या दे रहे हैं वो विद्या है, बाकी का सब जो भौतिक ज्ञान है वो अविद्या है। इस जगत में रहने के लिए ठीक है, लेकिन जगत के भव बंधन से बाहर निकलने के लिए ये उनको उसमें कोई रास्ता नहीं बताया जाता है। किस प्रकार से इस जगत में कारागर में सुखी से बन के रहो, भगवान ने जो भी दिया है वो तो भगवान को तो मानते ही नहीं है, सब चीजों जो लो 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 सब लो लो लो, कुछ दो मत। और भगवान क्या चाहते? कुछ नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कि हम कृतज्ञता व्यक्त करें, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। और कलयुग में ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड है ही नहीं। तो इसीलिए जब हम जानते हैं
एक ही चीज, जब हम सब कुछ प्राप्त हो रहा है प्रकृति से, हमें सिर्फ कहना है थैंक यू। सुबह को उठते हैं तो थैंक यू आई एम ब्रीदिंग, क्या आपके हाथ में है ब्रीदिंग? किसके हाथ में है श्वास? तो ये जानना जरूरी है, तो इसीलिए हम शांत। तो एक ही रास्ता इसीलिए बताया जा रहा है, श्री चैतन्य महाप्रभु हमें कहते हैं कि गोपी भर्तु पद कमलयोर दासानु 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 दास। अगर इस भाव से हम रहेंगे तब ये सब सेवा, परिवार सेवा, मानव सेवा, समाज सेवा, सब सेवा जो है, हम जानेंगे कि हम तो सिर्फ नौकर है किसके? भगवान के। और उनके द्वारा हम ये कार्य कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। श्री प्रभुपाद परफेक्ट एग्जाम्पल, उन्होंने कितना उतना उम्र में प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं उदाहरण, कि इधर ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। बहुत कंफर्टेबल थे प्रभुपाद जी वृंदावन में, राधा दामोदर मंदिर में आराम से बैठे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? अपने अपने हित का बलिदान करके, किसके लिए? सभी के लिए। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का, अपने गुरु के आदेश का, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो वाणी और शब्द सार्थक करने के लिए उन्होंने इतना अपने आप को इतना सैक्रिफाइस किया, और उनके कृपा से हम बैठे हैं यहाँ पे। अगर प्रभुपाद न होते तो पता नहीं हम क्या करते थे, कि हम जैसे नीच गिरे हुए इस भव सागर में भटक रहे थे, प्रभुपाद जी ने हम सबको आश्रय दिया। जैसे कि यहाँ पे श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जब भगवान के भक्तों के संगति, प्रभुपाद की शक्ति है जिसकी वजह से हम जो है कुछ भी कर पा रहे हैं भक्ति में, लेकिन हम अगर भूल जाएं, क्योंकि हम ऐसे ही है भूल जाते, इसके लिए बार बार भक्तों के संग में रहना, नहीं तो हम सोचते हाँ हम भक्ति कर रहे हैं, हमारे बल से कर रहे हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, संग की जरूरत नहीं है। संग बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि संग में रहने से हम वो जो दासानु 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 दास को हम जो है उसको निभा सकते हैं। अभी घर में बैठ के भागवतम पढ़ना, घर में बैठ के पूजा करना, तो दासानु दास कैसा होगा? भक्तों का संग इसके लिए है। अभी हम उत्सव मनाने जा रहे हैं, किसके लिए है? ताकि हम जो है अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें भगवान की ओर, तो इसीलिए ये सब आयोजन होता है, फेस्टिवल का, उत्सवों का, अध्ययनों का, कीर्तन का, ये सब जो है इसके लिए। तो यज्ञ कर्ता के पालक एवं यज्ञ सामग्री के दाता ही भगवान, अतएव समस्त यज्ञों द्वारा केवल उन्हीं को तुष्ट करना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। तो जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, कोई परिवार की सेवा कर रही है, अच्छा है, लेकिन किसको तुष्ट करने के लिए? भगवान मेरे से प्रसन्न हो, मैं अपना कार्य इतना अच्छा से, मेरी परिवार, तो कभी भी ऐसा नहीं लगेगा बोझा, कोई भी चीज बोझा नहीं लगेगी। अगर हम अपने परिवार की सेवा भी कर रहे हैं,
अगर हमें उसके बदले में कुछ चाहिए तो फिर हम हमेशा, हम इतना किया उसके लिए, उसने क्या किया? देखो मैंने बेटे को इतना बड़ा बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, क्योंकि वो देखता भी नहीं है तो हम असंतुष्ट, क्योंकि हम जानते नहीं है कि हमने उनके लिए किया, पर मूल कार्य क्या था? भगवान को प्रसन्न किया मैंने, मेरे कार्य को करके जो है भगवान को प्रसन्न किया, तो हम शांति प्राप्त कर सकते। कोई उसको माने, हमें माने या न माने, अमानी ना मान देना, त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सही, हमानी ना मान देना कितनिया सदा हरि, क्योंकि उद्देश्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। हम अगर हमारी बच्चों की सेवा कर रहे तो भगवान को प्रसन्न करें, हम अगर अपने पति की सेवा कर रहे तो भगवान को प्रसन्न, क्योंकि पति की सेवा करना बहुत जरूरी है और पति को भी सुरक्षा देना बहुत जरूरी है, और सुरक्षा इसीलिए दे रहे हैं तो फिर सुरक्षा देने के लिए हम काम कर रहे हैं। काम कर रहे तो किसके लिए काम कर रहे? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि जब मैं अपने परिवार मैं उनका रक्षा करूंगा तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे मेरे कार्य। जैसे कि हम देख रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जब हम कल पढ़ रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु ने प्रताप रुद्र के समय सामने देखते भी नहीं थे, क्यों? क्यों? क्योंकि वो राजा है, राजा मतलब कंचन कामिनी। ऐसे लोगों को तो श्री चैतन्य महाप्रभु देखते भी नहीं थे, पर जब उन्होंने वो झाड़ू उठाया श्री जगन्नाथ जी के रथ के सामने, एक मिनियल सर्वेंट, एक एकदम नीच जाति का कार्य उन्होंने किया कि भगवान जगन्नाथ के प्रसन्नता के लिए उसने अपने मुकुट को त्याग दिया। ऑफकोर्स मुकुट तो था ही, लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने पोजीशन को नीचे बना दिया। मैं कौन सा बड़ा राजा हूं? और हमने पढ़ा कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु उनको देखते भी नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए, फिर भी उनसे बात नहीं, लेकिन कितना कोशिश किया। इतने महान भक्त प्रताप रुद्र महाराज भगवान की सेवा, रामानंद राय उनके राज्य में कार्य करते, और रामानंद राय को श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगना था, पर वे वहां पे काम कर रहे। प्रताप रुद्र ने बोला ठीक है तुम जाओ, जाओ और उनको बिना उनसे काम लेते उनको पगार भी दे। देखिए, नॉट कमिंग टू वर्क, वर्किंग फॉर लॉर्ड चैतन्य, आई विल प्लीज लॉर्ड चैतन्य भाई, मैं कैसे प्रसन्न करूंगा श्री चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि मेरे पास जो धन है वो मेरा सेवक है, लेकिन अगर वो भगवान की सेवा में जा रहा है तो मैं उसका उसको करने दो और उसका पालन पोषण भी मैं करूं। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो कार्य है, जब हम ऑफिस में भी जाते, जैसे कि हम कह रहे कि ओके नाउ दो ऑफिस का काम करना पड़ता है परिवार को, लेकिन अगर हम ऑफिस में भी ऐसे सोचेंगे नहीं पैसा पैसा, तो फिर वहां पे भी हम अपने कार्य क्यों, मैं एक्स्ट्रा वर्क करूं कितना दे रहे हैं। पर अगर हम सोचेंगे कि भगवान को प्रसन्न, हम भक्त हूं, मुझे जो कुछ भी दिया है स्थिति में, मैं जो कुछ हूं, मैं अपने सबसे अच्छी तरह से मैं अपना कार्य करूंगा, चाहे लोग मेरे ऑफिस में मुझे स्वीकार करते हैं कि नहीं, देखते हैं कि नहीं, लेकिन कौन देख रहा है? भगवान देखता है। मैं अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से पाल, तो इसको कहते हैं ऊपर उठना।
हायर स्टेज ऑफ सेल्फलेसनेस, सेल्फलेसनेस है लेकिन उत्तम स्तर जो है बिना स्वार्थ कोई भी कार्य, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो घर में गृहस्थ जीवन में हो, चाहे हम स्टूडेंट है, चाहे सब में ये ऊपर उठना है. दिस इज द रियल पॉजिटिविटी. पॉजिटिव थिंकिंग यही है जो यहाँ पे भगवान बताते. सूरी दम सर्व, मैं मित्र हूं ना तेरे ऑफिस में, और कोई मित्र नहीं है लेकिन मैं मित्र हूं. सबकी सेवा, इसीलिए दासानुदास. जब हम दासानुदास की भाव में रहते हैं तो हम हमेशा सोचते हैं मैं इसकी सेवा कैसे करूं, मैं इसकी सेवा कैसे करूं, क्योंकि मैं भगवान का दास हूं. तो ये भावना हमेशा हमारे में रहे. तो यज्ञ, तब आप सब सोचेंगे अरे चलो यज्ञ शुरू करते घर में हवन ये, लेकिन ये नहीं लागू है क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी बताया गया कि चार पुरोहितों की जरूरत है यज्ञ संपन्न करने के लिए, और इस कलयुग में ये सब जो है नहीं हो सकता है. और 4000 साल से ये सब जो यज्ञ की विधि बंद हो चुकी है. पर एक ही यज्ञ है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, यज्ञ संकीर्तन राय, संकीर्तन यज्ञ. तो संकीर्तन यज्ञ करने से जो है ज्ञात्वा शांति, माम शांति रुच्यते, जब ये जान लेंगे तो शांति प्राप्त हो सकती है. तो विश्व शांति के लिए एक ही रास्ता है, वो है संकीर्तन यज्ञ. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने फॉलो करने के लिए कहा है पूरे विश्व भर में इस शांति का जो यज्ञ है फैलाने के लिए कहा है. और किसने किया? श्रील प्रभुपाद जी ने किया. तो सबसे पीस एम्बेसडर ऑफ द वर्ल्ड कौन है? श्रील प्रभुपाद. और हम देख रहे हर रोज प्रभुपाद जी के वीडियोस में, हर शाम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सब कोने कोने विश्व के कोने कोने में ये जो है ये पीस फॉर्मूला सबको दिया बिना देखे. क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने देखा नहीं कि ये योग्य है नहीं योग्य है, ये म्लेच्छ है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है. और कल उन्होंने कहा, हमने पढ़ा, मैं न ब्राह्मण हूं ना मैं शूद्र हूं ना वैश्य हूं ना मैं ये सब चैतन्य. मैं कौन हूँ? गोपी बतूर, दासानु 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 दास. श्री चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन के उदाहरण से हमें, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्रीमती राधा रानी के भाव में सबसे उत्तम भक्ति कौन सिखा सकता है? श्रीमती राधा. इसीलिए आज भी हम शाम को पढ़ेंगे कि किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु जो है श्रीमती राधा रानी के भाव, और श्री जगन्नाथ जी कृष्ण हैं, और किस प्रकार से वे जो है एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं. तो विश्व शांति का ये कोड है यज्ञ. और इस युग में सिर्फ ये हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो अब हमें भी सबको इस कार्य में लगना है, इसको हमें खुद को अपनाना है, अपने परिवार में उसको हमें शुरू करना है, और हमारे रिश्तेदारों हमारे मित्रों सबको ये विश्व शांति का फॉर्मूला सबको दे देना है. बस दे दो उनको सबको. क्या दान देना है? क्या भिक्षा चाहिए? ये हरि नाम. ओके, तो सबको यही दो और उससे ही विश्व शांति. कुछ ज्यादा कुछ कर, सस्ता सरल और सुगम,
बड़ा बड़ा यज्ञ करने से इससे अच्छा है ये चीजें कीजिए, ये हरि नाम और पुस्तक वितरण, ये दो चीजें हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं पुस्तक वितरण करो, सबको पुस्तक दो। जन्मदिन है, अभी उस दिन किसका जन्मदिन था? चैतन्य का जन्मदिन था, उनकी माता पिता ने उनको श्रीमद् भागवतम गिफ्ट किया। जितना भी हो सके भागवतम का गिफ्ट करो सबको, और उसको आसान हम बना देंगे, डोंट वरी, हमको बता दो हम पहुंचा देंगे। पुनीता माता जी को बोल दिया हम पहुंचा देंगे, नो वरी, हमको दे, हमको बोलो, हम करेंगे काम। आपको सिर्फ संकल्प करना है कि हाँ हमें अपने इसको भागवतम देना है, हमें इनको इतने बुक्स देना है, भगवत देना है, जन्म है, मरण है, शादी है, सब कुछ में गिफ्ट वही दो। भगवत गीता दे सकते हैं सबको, ये सबसे बड़ा दो लाभ है, भगवान भी प्रसन्न होंगे और क्या है, सबसे बड़ा परोपकारी कार्य हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत।